ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। अरे मेरे दो चार गाने लगातार साल गे बोता के रखाम खर दिल वाल गे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अरे मेरे दो चार गाने लगातार साल गे बोता के रखाम खर दिल वाल गे कच्ची को न पावर को बात यार की और खोट को न पावर इरादा मैं। अरे मैं किक्के गाऊं किक्के सोडू मन है बिना बेरा मेरे वजन भी आ जा सभी बाता मैं। अरे मैं किक्के गाऊं किक्के सोडू मन है बिना बेरा मेरे वजन भी आ जा सभी बाता मैं। खुद का स्टैंड करया खुद को रिएटर कोने बैठू सुन ले रार के मना भाई सारा राख खैस गए रात ना काम काटे होंगे पानी मार के। राम ने खुद का स्टैंड करया खुद को रिएटर कोने बैठू सुन ले रार के राम ने भाई सारा राख खैस गए रात ना काम काटे होंगे पानी मार के। ना इतनी बगावर सो सौ नालो बेटी और कुछ नींद रहा सब बकवादा मैं। अरे मैं किक्के गाऊं किक्के सोडू मन है बिना बेरा मेरे वजन भी आ जा सभी वादा मैं। अरे मैं किक्के गाऊं किक्के सोडू मन है बिना बेरा मेरे वजन भी आ जा सभी वादा। रैसनी बाण बेटी के ना कदे गाता रे खिलाफ और फिर भी गीता का क्यों विरोध हो वैसे मांगी बीड़ी पी करे जो जान रे सबात अरे कुछ को नहीं सोता वक्त सो। रैसनी बाण बेटी के ना कदे गाता रे खिलाफ और फिर भी गीता का क्यों विरोध हो वैसे तो मांगी बीड़ी पी के साले जान रे सबात अरे कुछ को नहीं सोता वक्त। बोलेगा तो जिस दिन फेम बोलेगा और अब कौन बोलिया कर ज्यादा मैं। अरे मैं किक्के राम का गात देख के ना बदमास मानिए और पाड़ दू भीड़ न रहे को पैर मैं। रा करे सा कांड नुए बने ना वरांड और नुए को नहीं चलता यो नाम शहर मैं। अरे टोटा ना फोट लेंगे सुन मेरे भाई अरे वोटी को ना सौ रहे हमार धोखे की रवना साली किलो आना वीर ठोक जा करे बाप को आग रहे छोटे मौके मौके की रवना साली किलो आना वीर ठोक जा करे बाप को आग रहे छोटे मौके मौके की। करूं थारा आई टी आई मने पहला जो मर्डर मारा था और शहर तेरा नाम मेरा था तेरे यार ने गदर तारा था। राज करूं थारा आई टी आई रमन पहला जो मर्डर मारा था और शहर तेरा नाम यार का रात्रे शहर में गदर तारा था। पकड़ी तो नालियां की पट और पकड़ी न यार नया नाड़ो के की रवना साली किलो आवीर ठोक जा करे बाप को आग रहे छोटे मौके मौके की रवना साली किलो आवीर ठोक जा करे बाप को आग रहे छोटे मौके मौके की रवना साली किलो आवीर ठोक जा करे बाप को आग रहे छोटे मौके मौके की। We'll be right back.
तेरा भी इलाज करेंगे, मने तेरा भी खास दिख है। अरे किले बेस कहनी और लैन मैं, मेरी लाखा में आवाज भी कह। दिल दानी माड़ा तेरा, रवेट तेरा भी इलाज करेंगे, रमन तेरा भी खास दिख है। अरे किले बेस कहनी और लैन मैं, मेरी लाखा में आवाज भी कह। अरे सैनी साहब नार सही भैया की सपोर्ट, और करी ना डिमांड कदे मन खोखेगी। बंदा साली किलो वाला वीरा ठोक जा करे, बात तो आ करे छोटे मोगे मोगे की। रे बंदा साली किलो वाला वीरा ठोक जा करे, बात तो आ करे छोटे मोगे मोगे की। जब ग्यारहवीं क्लास में था ना हम कट गया, पढ़ा महाराणा मडर मेरा का हम सुट गया। गणे बैठ लिए गुली तोड़ने जरूर, और खाम खा की खिदू आया मारनी पड़ेगी। सुलपेट कने दरी काले कपड़े मेरे, लग बंदे खानी टांड पैता तारनी पड़ेगी। सुलपेट कने दरी काले कपड़े मेरे, वादा तोड़ी बंदे खानी तारनी पड़ेगी। ना छित के किसे पैक दे कर आइये तू, मार दिए साले ने ना मर जाइये तू। अरे दादा ने सिखाई बस दो बात, रगा दड़ा के झूंड ते ना डर जाइये तू। अरे छित के किसे पै मत कर आइये तू, मार दिए साले ने ना मर जाइये तू। अरे दादा ने सिखाई बस दो बात, इलाज बिजी आई मैं नहीं। और पलटिया दलासी उतारनी पड़ेगी। सुलपेट कने दरी काले कपड़े मेरे, लग बंदे खानी टांड पैते तारनी पड़ेगी। सुलपेट कने दरी काले कपड़े मेरे, वादा तोड़ बंदे खानी तारनी पड़ेगी। बैठ गया था सारे मसले, तेरे रह जाएंगे पड़े ये यूपी वाले असले। और एंडी दिया गेलिया कोई फायदा को नहीं रह, कितने जागे मेरे भाई तू और खसले। और भूल के ना बैठ गया था सारे मसले, तेरे रह जाएंगे तेरे ये यूपी वाले असले। और एंडी दिया गेलिया ठीक पंगे वाजी नार, जागे मेरे भाई कितने और खसले। सल्यादा करांगे रे मोस्ट वेलकम, मेरे भाई तेरी औरती सिंगारनी पड़ेगी। सुलपेट कने दरी काले कपड़े मेरे, लग बंदे खानी टांड पैते तारनी पड़ेगी। सुलपेट कने दरी काले कपड़े मेरे, वादा तोड़ी बंदे खानी तारनी पड़ेगी। अरे रुक रुक गणा मत रो ताई आले, राघो सलाना बावला तू ताई आले। अरे ले गनाया तोरा जांगी, अरे ले गनाया तोरा जांगी। राजा दसिया उड़ा की प्यार की, मखा बोल सच्चे दरबार की। तड़के न और आ जांगी, रमखा दसिया उड़ा की प्यार की, रमखा बोल सच्चे दरबार की। पहला केपी कुंडू सोडा फिर पाबड़ेगा, बिंटू देख मारेगी वचन कई तोड़ा की। अरे मौज ले ले रोज ले ले, ना मिले तो खोज ले ले, जोटा ना जरूरत के भी नोले आगी। हो पहला के भी गुनू छोटा फिर बावड़े का, बिंटू देख मर गई वा चैन कई तोला की। मौज ले ले रोज ले ले, ना मिले तो खोज ले ले, जोटा ना जरूरत के भी नोले आगी। अरे काल जे की कोरा जांगी, अरे काल जे की कोरा जांगी।
तेरी प्यार की मखा बोल सच्चे दरबार की तड़के नोर आ जाएंगी रमखा दचिया उड़ागी प्यार की रमखा बोल सच्चे दरबार की तड़के नोर आ जाएंगी तड़के त्रियानी से उमर रे तू सुन ले जा कोई बे देख मत बाट तू लुगाई की यार सला तोड़ गानी आला काट लाल गानी आला इबे तने लोड़ से दवाई की ओ त्रियानी से उमर रे सुन ले जा कोई बे देख मत बाट तू लुगाई सला तोड़ गानी आला काट लाल गानी आला इबे तने लोड़ से दवाई की यार कर थोड़ी मोहर आ जाएंगी कर थोड़ी मोहर आ जाएंगी दसिया उड़ा की प्यार की मखा बोल सच्चे दरबार की तड़के रमखा दसिया उड़ा की प्यार की रमखा बोल सच्चे दरबार की तड़के नोरो जंगी राजंगी तड़के नोरो जंगी एक छोरी मन धोखा देगी जीते जी मन मार गई अरे तेरे भगत नैनू सोची ओ बाबा किस्मत हार गई मैं तने बचाया ये शंभू मैं तने बचाया ओ शंभू आज आगे पाछे डोले से ओ तेरे भगत की तू हो तेरे भगत की तूती बोले भगत की तूती बोले सा हो तेरा भगत काल जे सोले सा सुमित काजला भगत मैं तू मिल गया के हो गया बाबा वा छोड़ गई तेरा भगत ते काचे काट वापनी किस्मत फोड़ गई हो मेरी तेरी दया ते बोड़ गई तू बंद दरवाजे खोले सा हो तेरे भगत की तूती बोले सा हो तेरे भगत की तूती बोले भगत की तूती वो तेरा भगत काल जे सोले सा तू सैनी अमित ने छोड़ गई अक धक्के खांदा अंडेगा तेरे प्यार में पागल होके खाम खा का पी वांडेगा तेरी बरगी बहुत घनी चंडेगा पीशान प्यार में बोले सा तेरे भगत की तूती बोले सा हो तेरे भगत की तूती बोले भगत की तूती बोले सा हो तेरा भगत काल जे सोले सा रतन चाल तेने आवे से अंधेरी लाडली अटू के मांड दा तू देख्या जोग बे मांग मांग के नरे तू बीड़ी पीवस आज बण्या वधु मास फिर टिक टोक बे रतन चाल तेने आवे से अंधेरी लाडली अटू के मांड दा तू देख्या जोग बे मांग मांग के नरे तू बीड़ी पीवस आज बण्या वधु मास फिर टिक टोक बे तेरा खान में ना दाणे लते मांग के पिराई घर के आज भी महसूस किया कर गोली बारूद फिल मावड़ी जर छोटे जूस पिया कर गोली बारूद फिल मावड़ी जर छोटे जूस पिया कर गोली बारूद फिल मावड़ी जर छोटे जूस पिया कर मारा कर तर धार धाने तर जेड़ और तीसरी तू यार हगीर टेह
बस की मैं घनी रे बगा की रे तू प्यार प्यार मैं बदू भी रवा तेरी बकवास है और घर तेरे थाना और थाने तेरे जेड़ो और तीसरी तू यारा की रे बस की मैं घनी रे बगा की रे तू प्यार प्यार मैं बदू भी रवा तेरी बकवास है तस्वीर गरम नला लिए मरम और यार तेरा कोना रहे होगा बुआनिया जूस सास तेरे जी से पिया कर रात और कदे तसर पीन खानिया जूस सास तेरे जी से पिया कर रात और कदे तसर पीन खानिया वटी होई है तेरा यार घटना का सुन मुख पात्र मारा घोस के मारा खून तेरे सारे सट वही और रोत गाला यार तेरा गना चतर खेल के ना पबजी तू वही वटी रे तेरा यार घटना का सुन मुख पात्र यार घोस के मारा खून तेरे सारे सट वही और रोत गाला यार तेरा गना चतर अड़ा सब तू कैसा रे सब भी कैसा रे डंग सर का हुकम लानिया अरे जूस सास तेरे जी से पिया कर रात रे और तक दे तसर अरे जूस सास तेरे जी से पिया कर रात रे और तक दे तसर पीन खानिया वो बीड़ी भी ना पीवे थे आज पीवे खेच के चार पीने भीतर पीगे क्यारी बेच के आजा से तू याद सत्तू गाल जाऊं जे वड़ा रे कदे काट कहन टेम गेड़ा मार मर जाने ने तेरा यार गिला नाम कर दिया पूरे साल का रे इंतजाम कर दिया ठेके आले कह रे गिला नाम कर दिया पूरे साल का रे इंतजाम कर दिया रे रे चिलम बड़ी रे गेल्या सुल्फे की डली अरे दीदे ससलाल सुनु पीरा सेवड़ा रे कदे काट कहने तेम गेड़ा मार पर जाने रे तेरा यार सरे गाम का जितने ये बेवड़े सा आस पास मैं मेरी पूरी सेवा ठावे सर 150 मैं तेरे जितने ये बेवड़े सा आस पास मैं मेरी पूरी
सेवा खावे सर सोप चास मारे दारू चीज घनी अंडी चाल रम रे वर अंडी अरे दारू का सटोग देख छात पे पड़ा अक्ष तेरा ही अमित न तू लागी रे ठिकाने डार्लिंग कोई घेर गया कबूतरी न दाने डार्लिंग अमित न तू लागी रे ठिकाने डार्लिंग कोई घेर गया कबूतरी न दाने डार्लिंग तन्ने देखे न सारा रे रत काला मारे आर पावेगा तू सैनी कितने नाले पपड़िया तेरा तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे आला सू वांग रगड़ रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू वांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू तेरे सो सो दासी दास रोवर मेरा एक भी दासी दास नहीं क्या के सार जीला वैगी सतरंग चौपड़ ताज नहीं पुशाल दुसाले ओ डन आई मेरा कंबल तक भी बस नहीं अरे तू बागा की कोयल सहार बर्फ पड़ा री घास नहीं उस साहूकार उजारे आली में खसी टोटे वांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू अरे वांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू वतन के लिए दी गई जान हंसते हुए जो जवां इस धरती के चैनों अमन के लिए
कर ले नमन आज उनको, चलो हो गए जो फना इस वतन के लिए। तो भैया दो वर्ब और दो सब्जेक्ट जब आपस में बराबर हो तो उस समय सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस कॉन्सेप्ट से अगर करोगे ना, जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी गलत नहीं हो सकता। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन यहां से चल के, यहां से चल के यहां तक खत्म हो गया। मुझे आंसर चाहिए साथियों, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। इसका अर्थ क्या है? राजी वो खिलाड़ी है जिसे हम पसंद करते हैं, उसने 300 रन स्कोर किए हैं आज। क्वेश्चन क्वेश्चन नया बन गया, नया क्वेश्चन है भाई, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। जल्दी से बताओ फटाफट आंसर क्या होगा भाई। मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं नहीं जानता क्या आएगा, आप बताओ। V1 S1 V2 S2, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला के ये क्या बन गया? V3। तो इस बार वर्ब कितनी हो गई बोलो रे, सब्जेक्ट कितने हो गए? अब देखो, अब आपको लिंक कब मिलेगा वो देख लो ध्यान से, ठीक है? लिंक कब मिलेगा बुक का वो सुन लो ध्यान से। एक तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बुक के लिए फोन मत किया करो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला फोन मिला रहा हूं और मेरे पास आते हैं एक घंटे में लगभग 300-400 कॉल, ठीक है? मेरा फोन आजकल 400% बैटरी खींच रहा है, दिन में चार बार चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति मत पैदा करो कि मैं कहीं गंगा जी में जाके स्नान करने जाऊं वहीं पर रह जाऊं, ठीक है? तो ये स्थिति उत्पन्न मत करो मेरे सामने। अब बुक का लिंक सुन लो कब डालूंगा। पहली तो बात, आपको फोन नहीं करना, आज का जो आपका दिन है वो बुक ऑर्डर करने का दिन है। अगर आपने अभी 5 बजे बुक ऑर्डर कर दी, ऐसे तो नहीं मैं रात को पोस्ट ऑफिस में दौड़ के जाऊंगा कि आपकी बुक जमा करने, ठीक है? आज पूरी रात जो है आपकी, कह सकते हो कल 10 बजे तक का टाइम, कल 10 बजे तक का टाइम जो है वो आपका ऑर्डर करने का टाइम है, उसके बाद ही बुक आप पर भेजी जाएगी, तो इतने बेसब्र मत बनो। दूसरी बात, स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन को, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नमस्कार बेटा, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार सभी को, जय महाकाल। चलो, तो जो सारे के सारे नए बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बताऊंगा, कैडेट डिफेंस एकेडमी, जिसको आप ज्वाइन करेंगे PDF, इफ यू वांट ऑल PDFs देन यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेकिन उससे पहले आप चैनल, जहां पे आप चैनल को देख रहे हैं वहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, और इसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है? आपकी वॉच बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जनाब वॉच के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज मॉक टेस्ट, आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट है, एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे शेयर मारो और लाइक करो ताकि सारे के सारे बच्चे एक बार पहुंच जाएं, फिर उसके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी का फिर स्कोर भी देखना होता है, फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है। जल्दी फटाफट जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर मारो जरा फटाफट, लाइक और शेयर एक साथ चलते रहने चाहिए बेटा, जल्दी फास्ट आने के लिए तो खड़ा हुआ हूं इतने 2 महीने से आप लोग के साथ। अभी इंग्लिश की मैराथन के लिए तैयार है ना सारे के सारे, सैटरडे को कै घंटे की मैराथन लूं बताओ जरा? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पढ़ लोगे, आधे घंटे तुमसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता। हाँ भाई, कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो तुम लोग? हाँ, उसमें मिसलिनियस कराऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चन बुक से कराऊंगा, ठीक है ना? बुक का ही सॉल्यूशन कराऊंगा मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ठीक है? बताओ कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितने घंटे का जोश है तुम्हारे अंदर लगातार पढ़ने का? 12 घंटे बैठ जाओगे भाई साहब? मैं 12 घंटे, चलो अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेस्ट ले लूंगा एक दिन का, लेकिन तुम्हारा लिया गया रेस्ट एक दिन का बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को, हालांकि मैंने भी अगर रेस्ट ले लिया तो नुकसान तो तुम्हारा ही है ना उसमें। इस समय रेस्ट तुम लो या मैं लू, बात एक ही है।
वाली होती है, ठीक है। तो भी मेरे बाद मेरी क्लास होगी, मेरे बाद ओपी पटेल सर की, फिर मेरी 8 बजे द वो कैब शो, और 8 बजे के बाद जैसे ही मेरा 9 बजे वो कैब शो खत्म होता है, फिर 9 बजे से बैक टू बैक फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको पता ही है मैराथन क्लास है, तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए सारे के सारे बच्चे। तो कहानी को शुरू करते हैं बेटा। हाँ, एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास होगी बच्चा, ठीक है। चलो, और कल किसकी क्लास है भाई? कल वाई ग्रुप की मैथ्स की मैराथन क्लास है। तो अब हर दिन एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है। और परसों कौन सी होगी? शायद क्या पता मेरी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी सैटरडे की तो फिक्स है अभी, बाकी देखते हैं अभी बीच में किसकी होगी। हाँ, एक ओपी पटेल सर की भी मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे तो आपको पता ही है दोनों टीचर्स की किस किस की कौन कौन सी क्लास होगी, ठीक है बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए, एक बार लाइक करना शुरू कर दीजिए सारे के सारे बच्चे, लाइक और शेयर करो फटाफट तेजी से, ठीक है ना। हाँ, धड़ धड़ सर की कल होगी क्लास, ठीक है, वाई ग्रुप की कल होगी। आज मैराथन कितने बजे से है? आज रंग काला पड़ गया ना, तो इसलिए नेगी ने सोचा कि सर का रंग थोड़ा गोरा कर दूं। हाँ चलो, कोई बात नहीं, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं बेटा, बहुत सारे नए स्टूडेंट आप जब क्लास देखते हो तो अगले दिन फोन करते हो कि सर क्या हम यहां से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी लगातार अच्छी की है और हमारे साथ आप मॉक टेस्ट अभी से भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो क्रैक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 दिन भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले क्या किया नहीं किया तो अब ये सोचने का पूछने का समय नहीं है, अब तो सीधा है टारगेट को हिट करना है, ठीक है ना बच्चे। तो हर बच्चा कोशिश ये करे कि पूरा ताकत लगा दे, चाहे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर बच्चे को कोशिश करनी है। ये नहीं कि होगा या नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मुझे पता है आपकी दिल की धड़कनें जो है बहुत तेज चल रही है, ठीक है, और क्यों ही ना चले, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी करता है मेहनत करता है उसी के दिल की धड़कनें तेज चलती हैं, और उसी टीचर के दिल में भी धड़कनें तेज होती हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए मॉक टेस्ट बना के ला रहे हैं रोजाना, सुबह शाम मैं आपके नंबर भी पूछूंगा मैं दोनों मॉक टेस्ट की आज, ठीक है ना। तो देखो, सीधी सी बात यह है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हर मॉक टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कई बार मेरे मॉक्स में 18-19 आ जाते हैं, आपके मॉक में कई बार 9-10 रह जाते हैं। तो आपको पता है कई बार मॉक बहुत टफ हो जाता है, कई बार इजी हो जाता है। तो यहाँ नंबर आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप चीजें नहीं सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में मुझे तुम्हें 20 में से 20 दिलाने होते तो मैं बहुत आसान आसान से क्वेश्चन डाल देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोच समझ के चलो, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है अच्छा और बुरा क्या, कैसा कंटेंट है, क्या चीज है, वो सब बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो चीजों को नए नए सीखने की कोशिश करो, और टेंशन न लिया करो कि सर नंबर कम रह गए या कुछ हो गया। ये सब चीजों पे बिलीव करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, डीमोरलाइज हो जाओगे, और डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइज। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे उतना स्पीड से मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, आज का पहला मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है। फटाफट एक बार जल्दी से सारे के सारे लाइक करते चले जाओ, आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूं। तो चलिए, फर्स्ट टाइम अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो आज की क्लास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, बहुत तेजी से आंसर देना स्टार्ट करो, जल्दी बहुत तेजी से फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन द स्क्रीन इज, सर आप देख एकदम हिमेश रेशमिया जैसे लगते हो, यहां आंसर दे ले यहां, ये कॉम्प्लीमेंट बाद में देता रहना, 5 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं क्यों भाई नालायक। चलो भाई, अबे तुम बातचीत मत करो, शांति से बैठो। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज, ऑफन इफ समथिंग हैपेंस ऑफन, इट मींस वो रोजाना मतलब रेगुलरली होती है। कैसे होती है? सेटिंग करते टाइम सब जल्दीबाजी में हुआ तो उसके सेटिंग करते समय जो आंसर की में है वहां कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बाकी जितना भी है एरर्स का पार्ट है, चैप्टर वाइज है, वो सारा ठीक है, सब कुछ सही है बिल्कुल। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, जो पैसेज दिए हैं 70 समथिंग वो भी ठीक है, लगभग सारा सही है। बस जो मॉक टेस्ट है, तो अक्षय ठाकुर बेटा या जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो सब जो है मैं सभी को बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी पीछे का मटेरियल कर लीजिए, जो मॉक टेस्ट है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करा दूंगा 25 तारीख के बाद, लगभग 1 हफ्ते में पूरे मॉक टेस्ट खत्म करवा दूंगा, उनकी आंसर की जो है अभी रुक जाइए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी पीछे का जो मटेरियल है उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स या पैसेज, वो सब सॉल्व कर लीजिए, वो कैप सॉल्व कर लीजिए जो मिसलिनियस दी हुई है। मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में वहां कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसकी जो आंसर की मैं लिखवाऊंगा
जो मैं सही कर रहा हूं वही आंसर की आप लोग लेके चलना, ठीक है ना, उससे फाइनल करेक्शन भी हो जाएगा। ठीक, चलो बाकी जो बच्चे नहीं पहुंचे हैं टेंशन न लीजिए, मैं मॉक टेस्ट इसीलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो अब जैसे देहरादून में मिल गई बच्चों को, आसपास के एरिया में मिलती जा रही है, तो ऐसे एक एक दिन जो है जितना दूर है वो उसी हिसाब से पहुंचती चली जाएगी, ठीक है। जैसे